Hey listeners, this is Ajay Tambe, the producer host of CreateYourEars.in podcast, and this is new update. We are coming up with new audio drama, Prisoner's Daughter, on 22nd May 2022. So make sure you subscribe and follow us on Instagram, subscribe to the show, and here you go to your story that you are listening. But The Prisoner's Daughter on 22nd May, the audio drama is going to release. Stay tuned, stay connected, and subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं काबुलीवाला का भाग दूसरा। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार के शोर गुल हुआ और किसने उसके संसार को समझ नहीं लिया तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। समझ लिया कि संसार भरे सारे मस्त शराबी हमारे ही घर में और दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में ये दुनिया इस शोर से उस शोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोड़ो मलेरिया तिल छट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी मन को ये रोग उसके लगा ही है। उसका ये रोग कभी दूर नहीं होता कि दुनिया जालिम है, दुनिया में शराबी भरे पड़े हैं और दुनिया को अंग्रेजी हुकूमत ही चलाएगी। रहमत कबूली की एक और सीए वो पूरी हो गई। निश्चिंत नहीं थी वो, उस पर विशेष नजर रखने के लिए मुझे बार बार अनुरोध करती थी। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या कभी, सोचिए, कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? हाँ बताइए, क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटी बच्ची का उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि बताइए। मुझे बनना पड़ता था। मैं मानता कि ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ और उसका मन भय से काबिल हो रहा था, लेकिन केवल इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना करना ये सही नहीं है। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। ये समय वो अपने व्यापारियों को रुपये पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वो सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखूं तो वो संध्या को हाजिर होता है। अंधेरे में घर के कोने से उस ढीले ढाले जमा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन की भाषा बदल जाती, मन अचानक पैसा पैदा हो जाता। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी और ओ काबुली वाला पुकारती और पुकारते हुए जो हंसती है और दौड़ के सीधे दरवाजे की ओर भागती है तब मेरा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नया पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने के पूर्व आज दो दिन खूब जोरों से प्रकोप दिख रहा है। जिधर देखो उधर उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिलाड़ी में किस सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गमी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे के
सैर करने निकल पड़े। ठीक इस समय राम एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत ही तमाशाई बच्चे का झुंड चला जा रहा है। रहमत एक ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग है और सिपाही के हाथ में खून लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया, पूछा क्या बात है? कुछ सिपाही कुछ रहमत, हमारे एक पड़ोसी ने रहमत किसे रामपुरी चादर खरीदी थी, उसके कुछ रुपए उसकी और बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात पड़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर खोप दिया। रहमत उसे झूठ बेईमानी आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, पुकारती हुई मिनी घर से निकल गई। रहमत का चकरा और उसका चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झूली नहीं थी, अथ झूली के बारे में दोनों मित्रों के अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत की प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ मैं, ससुराल। रहमत ताड़ गया कि उसका ये जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सका, उसके चेहरे पर ही हंसी न ला सका। अब तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बांधे हुए हैं। छुरा चलाने का सुन और उसके जुर्म में रहमत को एक वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोगों को अब सदा अभ्यस्त होने के लिए बैठना पड़ता, नित्य के काम धंधों में उलझ गए। हम सभी नित्य के काम धंधे में उलझ गए। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला आदमी कारागार के प्रचारों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, ये बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जास्पद था, ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी साइस के साथ मित्रता कर ली, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक एक और एक उसकी सखियां छूटने लगी। और तो क्या, अब वो अपने पापा के लिए लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया था। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मीनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियां में उसने विवाह करने का तय कर लिया और उसका विवाह तय हो गया। इस शरद ऋतु में अब मिनी का विवाह होगा। बहुत साल हो गए, मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई थी। पूजा की छुट्टियों में कैलाशवासिनी के साथ सबकी अब हमारे घर में एक आनंदमय वातावरण फैल गया था। मिनी के भी माँ बाप घर में अंधेरा करके ससुराल चली गए। सवेरे सूर्योदय बड़ी सचतस के साथ निकला। वर्षों के बाद शरद ऋतु में ये नई धवल धूप सोने में सुहागा ला करके बैठी।
कलकत्ता की संकीर्ण गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने टूटे फूटे घरों के ऊपर भी इस धूप का आभा एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया था। हमारे घर के ऊपर सूर्योदय का अर्ग आज आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये मेरा हृदय आज धड़कनों से रो रो कर बच रहा है। उसकी करुण भैरवी रागिनी मनों में विच्छेद कर रही है। पीड़ा को जाड़े के धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर भवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वाले का ताता बांधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फनूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, चलो जल्दी करो, अरे इधर आओ, अरे 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 क्या कर रहे हो, ये सामान वहाँ नहीं रखना है यार, अरे वो बर्तन इधर क्यों रख रहे हो, अरे सुनो चुनू की माँ यहाँ से वो ले जाओ, चलो अरे ये लाइटें ठीक करो। इस तरह की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही है। मैं अपने लिखने पढ़ने पर कमरे में बैठा था, हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया। रहमत काबुली वाला, इतने सालों बाद वो आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना पहले जैसा लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसे दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान ही सका कि वो रहमत है। रहमत की मुस्कान ही अजीब थी। उसकी मुस्कान ही उसका पेटेंट सिग्नेचर मार्क था। मैंने पूछा, क्यों 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 रहमत? फिर मैंने अपना सवाल चेंज किया, क्या रहमत कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूं। सुनते हुए उसके शब्द मेरे कानों में खट से बच गए। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ गया। मेरी यही इच्छा होने की आज इस शुभ दिन पे वो इंसान आया है, वो इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। अगर रहमत यहाँ से चला जाए तो मेरी शादी इस मेरी मैं मन ही मन में कुछ बड़बड़ कुछ शब्दों का झोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि, और मैं एकदम चुप हो गया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ फिर आना। मेरी बात सुनकर वो इसी क्षण जाने को तैयार हो गया। दरवाजे के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्यों बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? बच्ची को मैं एक दो क्षण के लिए नहीं देख सकता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वही बच्ची है और उसी तरह बच्ची बनी बैठी है। उसने सोचा कि वो मिनी को अब पहली तरह काबुली वाला पुकारती हुई थोड़ी चली आएगी। रहमत को लगा कि वो आवाज़ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, ये आवाज़ उसे फिर सुनाई देगी। शायद उसे फिर सुनाई देगी। उन दोनों के पहले हंस भरी हंस में किसी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वो एक पेटी अंगूर और एक कागज़ के दाने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांगता कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कचली झोली आज उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज
घर में बहुत काम है रहमत, सो किसी से भेंट नहीं हो सकेगी तुम्हारी। मेरा उत्तर सुनकर वो कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। वो बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था काबुलीवाला का भाग दूसरा। क्या रहमत मिनी को मिल पाता है? क्या उसका बाप उसे मिनी से मिलने देगा? चलिए जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए creativeaudios.in।